प्लीज लिसन टू मी, मेरा दिमाग में एक आइडिया आया है। पुलिस की स्थिति को क्यों ना हम लोग एक मनोरंजन में बदल दें। अरे कालिन, साफ साफ बता दो ना आइडिया क्या है। तो बताओ किस किस को एडवेंचर पे जाना पसंद है, अपना हाथ बताओ। अरे तुम तीनों क्यों जाने नहीं चाहते? ऐसा मौका बार बार कहा आएगा दोबारा? ऐसे भी तो हम लोग का कॉलेज का छुट्टी है अभी, तो लेट्स हैव फन गाइस। हाँ हाँ, सब साथ जाने से मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, हम सब साथ में मस्ती करेंगे। पर इस समय तो जंगल में बहुत सांप बिच्छू होते हैं, वैसे भी बारिश का मौसम है। मुझे जंगल में सांप और बिच्छू जुग से बहुत डर लगता है, सो यू गाइस कैरी ऑन। में तो नहीं दोस्तों, हम आप सबके साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा घर में काम है और मेरा माँ भी घर में अकेले है, इसलिए हम हर काम को हमको देखना पड़ता है ना। अरे धोई, तू तो इतना कद्दा आदमी है, क्या सांप बिच्छू से डरते हो क्या? अरे लिली, सांप बिच्छू का इलाज है हमारे पास, चिंता मत करो। और हाँ तासी, जिंदगी में काम तो चलता रहेगा और दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ये भी सोच लो एक बार। हाँ कालिन सही बोल रहा है, अभी मस्ती करने का टाइम है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्यों दोस्तों? ओके ओके, मैं तैयार हूँ। लिली टाशी, क्या बोलते हो? ओके गाइस, मैं भी तैयार हूँ, तो कब निकलते हैं? ठीक है, आप सबके बिना मैं भी अकेले क्या करूँगी, मैं भी चलूंगी। तो चलो साथियों। आया है।
कल ब्रिज पार करने के बाद हम दोनों का बाइक खराब हो गया था ना। ब्रिज पार करके जब कालिंग हम दोनों आप लोगों के पीछे आ रहा था तभी क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दिया? पता नहीं, शायद बाइक में कुछ खराबी आ गया है, देखना पड़ेगा। उतरो तो पहले, देखना पड़ेगा। लगता है प्लग में कुछ खराबी आया है। अब क्या होगा, हमारे सारे साथी तो बहुत दूर निकल गए होंगे। प्लग लेंस भी नहीं है, अब क्या करें? अरे वहाँ एक गाड़ी आ रहा है, उसी से पूछना पड़ेगा। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा बाइक खराब हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। सर आपके पास प्लग रेंच होगा? देखता हूँ, गाड़ी में होना चाहिए। देख लो, आपका जरूरत है कुछ रेंच यहाँ होना चाहिए। थैंक यू सर। वैसे आप दोनों जा कहाँ रहे हैं? हम दोस्तों ने हाइकिंग का प्रोग्राम बनाया है, वहीं पे जा रहे हैं। हमारे सारे साथी बहुत दूर निकल गए। ओ बाइक वाला, हाँ मिला था बहुत दूर पे, अभी तो काफी दूर निकल गया होंगे। थैंक यू सर। अगर आप नहीं होता तो हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते। कोई बात नहीं। ये जगह बहुत ही बढ़िया है, मेरा ख्याल से यहाँ एक दो दिन रुक जाना चाहिए, क्यों? हाँ कालिंग सही बोल रहे हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है? बिल्कुल मुझे मंजूर है, वैसे भी 3-4 दिन का राशन है हमारे पास। ठीक है, लेकिन आज हम सब जंगल में घूमेंगे, फोटो शोटो खींचेंगे। आज का लंच दोई और गोम्पो बनाएंगे। अच्छा तुम घूमेगा और हम खाना पकाएगा? हमको घूमना नहीं है क्या? क्यों तुम हमेशा हमको ही टारगेट करता है? देखो दोई, तुम मेरा बात का गलत मतलब बहुत निकाल। सही गलत तुम मुझे सिखाओगे? अरे तुम ना हंसिए क्या, हंसिए क्या? हाँ तुम ना, अरे यार प्लीज प्लीज यार, अरे प्लीज यार, मेरा इधर मत करो यार, यहाँ हम एंजॉय करने आए हैं। चलो तुम आओ जल्दी, चलो ना आओ तुम, चलो। हाँ हंसिए क्या? हाँ प्लीज लड़ाई झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। देखो दो ही, तुम दोनों से अच्छा दोस्त है, लड़ाई झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। हम यहाँ मस्ती खेला, ठीक है हम लंच बना देगा, ठीक है आप दोनों जाके मस्ती कीजिए, होगा? यहाँ कर बहुत अच्छा लग रहा है, दो बार से भी। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, हम साथ में। तो आज क्या जंगल में मंगल करेगी? अरे सुनो रुको तो। थोड़ा पास, थोड़ा पास और थोड़ा सा। ओके रेडी, और एक बार। दो ही हम दोनों को भी एक फोटो खींच दो ना। ठीक है खींच देते हैं। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया धोई ने, साले को एक दिन मजा चटाऊंगा।
भूत तेरे बिचारा हो इस साले के। सुखी जो वो से भूल जाओ, बेकार ने अपना अरे ये तो अनु का चिल्लाने का आवाज़ है। चलो 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 चलो। अरे नीचे मेरे बात क्यों रहे हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं कोई भूत तो नहीं ना हूँ। अरे रुकिए तो। क्या हुआ अनु? क्या हुआ? अरे रुक जा, रुक जा। अरे मैं यार रुक जा। अरे देखिए डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं एक शिकारी हूँ, शिकार करने निकलता कब तक रास्ता पता गया। देखिए भाई साहब, हम यहाँ ऐसे वैसे के लिए घूमने नहीं आया है, हम सब पुलिस के साथी हैं, यहाँ घूमने आए हैं। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं जरा हल्का सा बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, और सच कहूँ तो एक समय तो जकास लगता है यार, जकास एकदम। क्या बोले यार, वैसे तो पुष्पा कह रही थी। अरे भाई बहुत भूखा है भाई, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है इस कारतूस के अलावा। आज तुम लोग का सलाम को यार रुकने के लिए मौका दे दो यार, क्या बोलते हैं? इसके अलावा कुछ भी नहीं भाई साहब, हम लोग का भी राशन पानी कम भाई साहब, सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह मैं चला जाऊँगा, माँ का सब हाल में चला जाऊँगा। अभी देखो थोड़े दिन में अंधेरा हो जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो यार गड़बड़ लग रही है, इसे जाने दो प्लीज मैडम, एक मेहरबानी कर दीजिए यार, एक मेहरबानी। ठीक है, सिर्फ आप साथ के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कौन है, कहाँ मिला इसे? अच्छा भाई साहब, मैं खुद ही बता देता हूँ, इस नाचिस को लोग कुतुल कहते हैं। मैं एक शिकारी हूँ और शिकार मुझे अच्छा लगता है। वो मैं रास्ता पता गया और यहाँ पहुँचा, बस आज रात यार रुक जाऊँगा, कल सुबह फुर हो जाऊँगा यार। ठीक है, आज हमारे साथ रुक जाओ, कल आराम से चले जाओ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे चाहने वाले हैं। ए गुड बोलो। अरे शिकारी भाई, जंगल में तो बंदूक लेके घूमते हो, आज तक कितना शिकार किया? अरे क्या बताएगा भाई, इतना मर चुका है, लाख लाख हिसाब किताब नहीं है, जोता बोरा बहुत मर चुका है। मैं बता सकूंगा बाप रे बाप, क्या बोलेगा भी? अरे अरे भाई तुम्हारे ले रहे हैं, ऐ शिकार में पीना पड़ेगा ना, थक गया, कभी कभी मिलता है पीने के लिए, है कि नहीं? क्या बोलता है भाई लोग? अरे तुम लोगों को वैसे तो ही शिकार कम हो रहा है, जानवर कम हो रहा है, इतना शिकार भी मत करो कि जानवर ही खत्म हो जाएगा, हम लोग का फ्यूचर वाला बच्चे लोग का भी देने नहीं मिलेगा ये सब चीज़, जियो और जीने दो। अरे क्या करेगा भाई साहब, शिकार तो करना पड़ता है यार, ये तो हम लोग का दादा का जमाना से कर रहे हैं, शिकार नहीं करो तो कहेगा क्या? क्या तुम्हारा मित्र कहेगा? करना पड़ेगा शिकार तो, हम तो छोटा मोटा शिकारी है, एकदम छोटा मोटा। मेरा परदादा लोग तो बहुत बड़ा शिकारी था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा शिकारी था। तो तेरा दादा परदादा लंगोट पहनता था, तो तू क्या पहन सकता है अभी? गूंजे लगे है कहने, फूलों से भी सुना है तेरा नाम प्यारी का, कहता है दिल लागे मिल, ओ मेरे जिंदगी तरहाना बीत जाए दिन बहार का। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आए, यादों की सांसों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार की तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें।
कालिंग कोई बुरा सपना देखा है क्या? पानी पानी बहुत बुरा सपना था। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा सपना पाते रहते हैं। चलो सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना। तो गाइस, आज का क्या प्लानिंग है? जाने है क्या, क्या रुकने है? हाँ, आज तो आगे जाएगा होगा। हाँ, आज तो आगे निकलना था, लेकिन ये कहा दोई कहाँ चला गया? कोई दिखाई नहीं दे रहे दोई को। वो शिकारी भी दिखाई नहीं दे रहा है, चला गया क्या? सचमुच सुबह सुबह कहाँ चला गया वो दोई ना? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कल रात मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। चलो ढूंढते हैं। अरे आ जाएगा, यही कहीं गया होगा। मीमी सही कह रही है, तुम लड़कियां यही कैंप पे रुक जाओ, और तासी तुम भी इन लोगों के साथ रुक जाओ। जॉन गोम्पो, चलो हम तीनों ढूंढते हैं। तो चलो जॉन, तू इस तरफ जाकर देखना, ठीक है? और गोम्पो, तू इस तरफ से, मैं आगे देखता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। अरे गाइस, मैंने तो सब सारा जंगल चाल मार दिया, पर दो ही कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। नहीं मिला, पूरा जंगल चाल मारा, नहीं मिला। तुमको मिला? नहीं यार, मुझे भी नहीं मिला। अरे सच में कहाँ चला गया होगा ना दोई? अरे क्या करेगा ना सोने से? नहीं मिला, ढूंढ रहा है, नहीं नहीं मिला। अरे ऐसा चार मरा ब्लॉग पूरा जंगल, ना बोल तू ना, ये तो सारा जंगल चार मरा, पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चला। ये जरूर उस शिकारी का काम होगा, उसने ये किया होगा। अब क्या होगा, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सचमुच वो पागल शिकारी ने मारा होगा, पुलिस को कवर करने से देखे सर। पुलिस को कवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मुझे तो ऊपर पे जाना होगा, शायद वहाँ नेटवर्क मिल जाए। होगा होगा, जाओ जाओ। गोम्पो, तू भी चला जाओ जॉन के साथ, पुलिस को कवर करने के लिए। ओके। हेलो इंस्पेक्टर, जरूर स्पीकिंग। हाँ, कहाँ पे? लोकेशन प्लीज। घर ही निकलो, जंगल जाना है। घर ही नहीं बेवकूफ, गाड़ी निकालो, जंगल जाना है, मर्डर हुआ है। ओके सर। चलो
साइड हो जा। लगता है किसी तेजधार हथियार से इसका तय किया गया है। चलो तुम लोग लग जाओ लाइन में अभी। चलो चलो चलो, चलो। सब लाइन में खड़ा हो जाओ। चलो चलो। सर सर सर, इन्हीं लोगों में से एक कौन ही है? मेरा दाव टू जो तुम्हें लगता है उसका शकल देखो सर। शकल उसका शकल। हाँ तो बताओ कॉल किसने किया? जी सर हमने। तुम्हारा नाम क्या है? सर गुम्फो। तुम्हारा? सर कासी। तुम्हारा नाम क्या है? सर काली। तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। तुम्हारा? तुम्हारा? सर लिली। तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? सर मिमी। अच्छा तो बताओ किसने मारा अपना दोस्त को? अच्छा तो बताओ क्यों मारा अपना दोस्त को तुमने? सर मैंने नहीं मारा वही को। हम दोनों एक बीच झगड़ा जरूर हुआ था लेकिन मैंने नहीं मारा। ऐसा छोटा मोटा झगड़ा तो दोस्तों के बीच होता है। सर कल परसों गोम्पो और दोई के बीच भी झगड़ा हुआ था। अच्छा तो तुमने मारा अपना दोस्त को? नहीं सर, कसी जो कहा सच सर, वो उस शाम को हुआ था झगड़ा सर, लेकिन हम लोग बीच में कुछ इतना भी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा इस कारण से हुआ था सर कि अन्नू को वो जो है जबरदस्ती बियर पिला रहा था। थोड़ा सा ले लो अन्नू। नहीं नहीं नहीं, हमने पीते पार्टी में तो ये सब चलता है, थोड़ा सा ले लो। दोई अन्नू अगर पीना नहीं चाहते तो तुम जबरदस्ती अन्नू को क्यों पिला रहे? तुमको क्यों जलन होने लगा? प्लीज अन्नू थोड़ा सा, ये तो पार्टी में तो ये सब होता है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हम उस बीच में रोका, हाँ हम दोनों का बीच में उसमें थोड़ा टुटुमी में होके आर्गुमेंट हो गया सर, लेकिन हम नहीं मारा सर। और ये सब चीज़ तो सर हम बहुत दूर है, हम आज तक किसी को भी हाथ नहीं होता सर। झगड़ा तो जरूर हुआ था सर लेकिन हमने नहीं मारा सर। तो बताओ किसने मारा होगा दोई को? मुझे मालूम नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। तुम्हारा भी झगड़ा हुआ था दोई के साथ? जी नहीं सर। बच्चा क्या जानती हो तुम, बताओ? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं भी जानना चाहती हूँ दोई को किसने मारा। अच्छा तो तुम बताओ, कहीं तुमने तो नहीं मारा दोई को? नहीं सर, दोई तो सर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको। और हाँ सर, एक पागल शिकारी यहाँ आया था, शायद उसी का काम होगा, वो भी सर सुबह से कई दिखाने दे रहे। बचक चलो आप जंगल का छप्पा छप्पा छान मारते हैं। ठीक है सर, तो चलो तुम लोग भी साथ। जिसको कातिल समझ रहा था वो तो यहाँ मरा पड़ा हुआ है सर। ये चीज हमें यही पास मिला हुआ है, शायद इसी से खून क्या होगा सर, इसमें देखिए खून भी लगा हुआ है। अच्छा तो ये है मर्डर वेपन, फिंगरप्रिंट तो चलाकी से मिटा दिया लगता है। देखो यहाँ घास भी लगा हुआ है। नहीं सर मैंने नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं पता सर। बोलो क्यों मारा? नहीं सर मैंने नहीं मारा। आप किसी से किसी भी इल्जाम लगा सकते हैं, कालिंग और दोई बेस्ट फ्रेंड था, कालिंग ऐसे नहीं कर सकते। अब तू मुझे सिखाएगी कौन क्या कर सकता और क्या नहीं? आज तक कोई क्रिमिनल क्राइम करके इंस्पेक्टर जुर्मे से नहीं बच पाया। तुमने अपने हाथों के निशान तो बड़ी आसानी से मिटा दिया पर पैरों के निशान मिटाना भूल गए। ये देखो यहाँ तुम्हारे किसी साथी ने इस तरह का जूता नहीं पहना है, मरने वाले ने भी नहीं। बताओ अपने दोस्त को क्यों मारा? जब से दोई मिमी हम दोनों के करीब आया तब से मेरा जीना हराम हो गया था, वो मिमी के करीब आना चाहता था, मैंने कई बार देखा और महसूस भी किया। हाय
हाय मिमी, कहाँ जा रहे हो? अपर मार्केट जा रही हूँ। फिर जो मैं भी वही जा रहा हूँ। दोई मुझे खंजर की तरह चुभने लगा था। वो मुझसे पहले पहुंच जाता था और मिमी को पिकअप कर लेता था। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं। उसी वक्त मैंने दोई को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जब हम सुबह दोई को ढूंढने निकला तो कुछ ही दूर पर दोई मुझे मिल गया। अरे दोई, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग तुझे सुबह से ढूंढ रहा है। अरे कालिंग, ठीक हुआ तुम यहाँ पहुँच गया। देखो ये कैमरा, ये मोबाइल, सारा ये चीज़ ये शिकारी चोरी करके भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे बांध के रख दिया यहाँ। बहुत अच्छा किया दोई, तुमने इसे पकड़ लिया। अरे ये तो मिमी का मोबाइल है। साले, तुमको हमने खिलाया पिलाया और तुम हमारे ही सामान लेके भाग रहे थे हैं? भाई साहब, आदत से मजबूर है, क्या करूं, पापी पित का सवाल है। एक बार के लिए माफ कर दीजिए, गलती हो गया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। साले चोर, अरे कालिंग, ये तूने क्या किया? इसे क्यों मारा इसे? मैंने कहा मारा इसको तो तुमने मारा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो कालिंग? हाँ हाँ, पागल हो गए हो मैं तुम्हारा वजह से मेरा दिन का चैन और रात का नींद सब उड़ गया। ये तुम क्या बोल रहे हो खाली? मर सॉरी मर। साला कमीने कुत्ते, तू मिमी अंदर बीच आएगा, तू उसको बाजार घुमाएगा, हाँ उसे घर भी चोरेगा, तू साले चूतिया, तू मर अभी, मर तू, मर साले चूतिया, तू मर। दोई को मारने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता था। लोगों को लगेगा कि वो शिकारी और दोई के बीच लड़ाई हुआ और एक दूसरे को मार दिया। और मैंने जल्दी से अपने हाथों का निशान मिटाया और दांव वहीं पे फेंक दिया। इसके बाद चुपचाप गेम में आ गया। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, गुनी हो। दो ही मेरा अच्छा दोस्त था, वो भी मुझे अच्छा दोस्त मानती थी। मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे करती थी, लेकिन तुम दोस्ती और प्यार के लायक नहीं हो। तुम्हारे इसी जलन ने दो लोगों की जान ले ली, अब जिंदगी भर जेल में पछताते रहना तुम। बचा, हथकड़ी लगाओ, चल चल।
3, 2, 1 एक्शन। ठीक है, लेकिन आज हम सब जंगल में फोटोस फोटो खींचेंगे, घूमेंगे और आज का ये लंच दोई और बोटा बोना। 3, 2, 1 एक्शन। वैसे तो पुष्पा कह रही थी अरे भाई बहुत भूखा है भाई, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है इस कारतूस के अलावा। अब ऐसे रहते हुए कैसा लग रहा है? मजा रहे, बहुत मजा रहे। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। रुको तो यार, तू अभी तो मार रहे, तू मर, अभी मर, तू मर, मर साले चूतिया मर। सर जब से दोई मीमी हम दोनों के करीब आया कैमरा।